हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आई एम निक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज आप देखने वाले एक बहुत ही ज़्यादा रैंडम ट्रैवल व्लॉग। एंड व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ रैंडम ट्रैवल व्लॉग, दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला कि जो ये प्लान की उपज थी वो बहुत ही ज़्यादा रैंडम थी। वी वर नॉट श्योर कि हमें कहाँ जाना है और इट वॉज नॉट इवन अ प्री प्लान ट्रिप। तो एक रैंडम ट्रिप के साथ, एक प्लान के साथ हम लोग आगे निकले। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ दैट कि जितनी भी वीडियोज़ मैंने शूट करी थी, तो वाइल शूटिंग दैम देर वॉज नो इंटेंशन टू यूज़ दैम इन अ व्लॉग, बट नाउ आई एम यूजिंग इट, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो ये वीकेंड ट्रिप हम पांच फ्रेंड्स का एक कलेक्टिव प्लान था, और उसमें से एक फ्रेंड ने ड्रॉप आउट भी कर दिया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न। उसके बाद हम चार लोग ही बचे। एंड द बेसिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस प्लान वॉज दैट कि हमें कोई ऐसी जगह ऑप्ट करनी है जो कि दिल्ली से ईज़िली रीचेबल हो, ज़्यादा मशक्क़त हम लोगों को ना करना पड़े, और हम सैटरडे अर्ली मॉर्निंग निकलें एंड संडे लेट तक भी चलेगा बट वापस आ जाएँ। सो दैट वॉज द बेसिक एक्सपेक्टेशन। और जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे हम लोग आराम से स्टे करके चिल कर सकें, बातें कर सकें, बिकॉज देर वॉज अ लॉट टू टॉक अबाउट, बिकॉज सारी फ्रेंड्स हम काफ़ी दिनों बाद मिलने वाले थे। सो व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मैं मिलवा देता हूँ आपको अपने ट्रैवल कंपेनियन से। इस पिक में जो सबसे आगे वो फॉर श्योर मैं हूँ, राइट साइड में मेरी वाइफ नीलू, पीछे लेफ्ट साइड भारत, देन वीरू, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी नेक्स्ट वन। सो एज पर आर वेकेशन रिक्वायरमेंट, जो बहुत सूटेबल जगह हम लोगों ने ऑप्ट की थी वो थी कनातल और कणताल, यू कैन से ये दो प्रोनंसिएशंस हैं। एंड वाइल गोइंग टू कनातल देर इज़ अनदर डेस्टिनेशन दैट वी वॉन्टेड टू कवर, जो की थी टिहरी डैम। वहाँ पे वी वॉन्टेड टू कवर दैट लेक एरिया जहाँ पे कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम उसी इंटेंशन के साथ निकल चुके थे। ऑल्दो मसूरी के थ्रू भी हम जा सकते थे, मसूरी पर रुक सकते थे, बट दैट इज़ एन ओवर क्राउडेड प्लेस स्पेशली ड्यूरिंग द वीकेंड्स। तो हम लोगों ने वो वाली साइड अवॉइड करी एंड वी वेंट फॉर अ ऑफ बीट एयर प्लेस जो कि है कनातल। सो दिल्ली से ऋषिकेश पहुंचने के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी चंबा टाउन, एंड चंबा टाउन से फिर नेक्स्ट 10 किलोमीटर्स दूर था टिहरी लेक। सो फाइनली आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर अराउंड 4 आवर्स हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स पार्किंग एरिया में, एंड देयर वी पार्कड अ कार, और उसके बाद हम लोग निकल चुके थे फॉर आर नेक्स्ट एडवेंचर ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। दिस इज टिहरी लेक, और अपन लोग हम चार लोग आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, जस्ट फॉर अ वीकेंड आउटिंग। और यहाँ पे टिहरी डैम में वाटर स्पोर्ट्स का अरेंजमेंट है, तो हम लोगों ने ऑप्ट करा है क्या बोलते हैं, स्पीड बोट। ये तीन है अपने साथ, एंड बस अभी अपनी बोट पे आते फिर दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे बोट के सेटअप सारे। टाइम क्या हो रहा है? तो नोट कर लो।
सो स्पीड बोट राइड पे आने के बाद फाइनली हम लोगों को दिखे यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग हट्स जो कि एक अलग ही काइंड ऑफ एक्सपीरियंस देते हैं. इफ़ यू वांट टू स्टे देयर तो आप लोग इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर सकते हैं. दैट व्हाट विल बी द बुकिंग चार्जेस इन ऑल. और सामने आपको दिख रहा होगा ब्रिज, दैट इज़ अ सस्पेंशन ब्रिज जो कि जिसका नाम है डोबरा चाटी ब्रिज. सो यहाँ पे अराउंड 6 to 8:30 इन द इवनिंग एक RGBV लाइटिंग जलती है एंड आफ्टर दैट ये बहुत ही सुंदर लगता है ये ब्रिज. सो ये यहाँ तक हम लोगों ने कवर करा एंड इसके बाद हम लोग वापस जा रहे थे जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था. टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस प्लेस, टिहरी डैम जो है वो इंडिया का टॉलेस्ट डैम है एंड इट इज़ बिल्ट ऑन भागीरथी रिवर. और इस डैम का जो पानी है इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फॉर लोकल वाटर कंजम्पशन एज वेल एज फॉर इरीगेशन पर्पज. एंड इसी के साथ हम लोग आ चुके थे टूवर्ड्स द एंड ऑफ आर राइड. बीच में हम लोगों को बहुत ही सीरीन व्यूज़ मिले और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस स्पीड बोट का. तो अगर आप लोग इस लोकेशन पर आएँ तो डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड है. इट कॉस्टेड अस, फोर ऑफ अस, अराउंड 3000 बक्स और इट वॉज़ वर्थ. हाफ एन आवर की राइड थी एंड इट वॉज डेफिनेटली वर्थ. और बोट के ड्राइवर ने इस राइड को एंड किया एक OP पार्किंग के साथ. सो आफ्टर कवरिंग टिहरी डैम हम लोग अपनी नेक्स्ट अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके थे जो कि था कनातल में हम लोगों का स्टे जो कि होने वाला था कैंपो बारामासा में. सो कैंपो बारामासा इज़ अगेन स्वीट स्पॉट जो कि लोकेटेड है नियर रोड साइड और रोड साइड से हल्का सा इंक्लिनेशन है. यू विल हैव टू क्लाइंब अप अराउंड 5 to 10 minutes ऑफ डिस्टेंस एंड यू विल बी देयर. तो जगह बहुत अच्छी है, आसपास के व्यूज़ अल्टीमेट हैं एंड यू विल सी दैट इन द वीडियो एज वेल. आफ्टर 10 to 12 minutes ऑफ क्लाइंब हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे अपने कैंप एरिया में जहां पे हम लोग स्टे करने वाले थे एक पूरी रात और कुछ डे टाइम के लिए. सो आगे आप लोग देखोगे जो हम लोगों ने दो कैंप्स अपने लिए थे वो आमने सामने हैं उन लोगों की उनकी लोकेशन. सो वो कैंप कुछ इस तरीके से थे. ये बाहर से एक सॉलिड मेटल शीट्स के थ्रू कवर्ड हैं एंड अंदर इसमें टेंट का मटेरियल है. और यहाँ पे अंदर आप एक डबल बेड देखोगे एंड उसके अलावा काफ़ी कोजी ब्लैंकेट्स हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सोफा कम बेड है, एक बालकनी है. यू हैव अ वेरी गुड क्लीन टॉयलेट जो कि एक मस्ट नीडेड थिंग होती है जहाँ पे भी आप स्टे करते हो. सो इट वाज ऑल देयर. तो हमारे लिए दैट वाज इम्प्रेसिव. सो फ्रेशन अप होने के बाद हम लोगों ने किया अपना लंच जो कि अगेन द क्वालिटी ऑफ फूड एंड द टेस्ट वाज क्वाइट गुड, डेफिनेटली रिकमेंडेड. और उसके बाद कुछ फोटोग्राफ्स हम लोगों ने क्लिक करवाई. इनफैक्ट मैंने करी, क्लिक करवाई नहीं. एंड उसके बाद हम लोग इवनिंग की तरफ आ गए. देन इवेंचुअली रात को हम लोगों ने बोन फायर किया और डिनर विनर किया. उसकी फुटेज नहीं है सो आई कुडंट कवर इट, बट यहाँ पे बोन फायर की फैसिलिटी अवेलेबल है. यू हैव दैट म्यूज़िक फैसिलिटी एज वेल. और उसके बाद हम नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ते हुए जो कि है day 2 मॉर्निंग एंड दैट वॉज नॉट एन अर्ली वन, बट अराउंड 10 o'clock हम लोग उठे एंड दिस वॉज द व्यू दैट आई एक्सपीरियंस फ्रॉम माई बालकनी.
यूजुअली इस लोकेशन पे जो टेम्परेचर है वो -5 तक जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप लोगों को यहाँ पे स्नोफॉल देखने के लिए भी मिलती है। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग गए थे मिड ऑफ दिसंबर में, तो उस टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रखी थी। सो इसी के साथ हम लोगों का स्टे कैंपो बारामासा कनातल में हुआ एंड, एंड हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे विद द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी द क्वालिटी ऑफ फूड एंड सर्विस आई वुड लाइक टू हाईली रिकमेंड दिस प्लेस टू ईच वन ऑफ यू। अगर आप कनातल जा रहे हैं तो इनके ओनर का नंबर और इस जगह की लोकेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, सो यू कैन यूज़ दैट। सो वाइल गोइंग बैक टू दिल्ली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थनॉल्टी और देहरादून वाला रास्ता लेंगे, बिकॉज समवेयर इन बिटवीन एक जगह है सुआ खोली के नाम से, जहाँ पे कि द हाई फ्लाई एडवेंचर्स के नाम से एक बहुत अच्छी जिप लाइनिंग होती है विद अ ग्रेट डिस्टेंस। अराउंड मेरे ख्याल से नहीं भी होगी तो अराउंड 800 मीटर टू 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जिस जिसका मन होगा वो वहाँ पर जिप लाइनिंग करेगा। सो फाइनली हम लोग हाई फ्लाई एडवेंचर्स पे पहुंच चुके थे, बट यहाँ पे मेरे साथ वालों ने दे दी मुझे गोली, बिकॉज वो लोग नहीं आए जिप लाइनिंग के लिए। बट ये इसकी इसका डिस्टेंस देख के और हाइट देख के मेरा काफ़ी ज़्यादा मन हुआ, एंड एक बार एटलीस्ट एक्सपीरियंस लेना बनता था, सो आई वेंट फॉर इट। और अगेन दिस इज़ वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू हाईली रिकमेंड टू यू गाइज, अगर आप इस रास्ते में आते हो तो ये आप लोग कर सकते हो। और इट कॉस्टेड मी अराउंड 700 rupees, तो अगर आप लोग ग्रुप में जाते हैं तो यू कैन नेगोशिएट बाई योर सेल्फ। सो आफ्टर क्रिएटिंग सम मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसिंग द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड एंड एंजॉइंग अ लॉट ऑफ लेट नाइट चिट चैट्स, हम लोग निकल चुके थे वापस दिल्ली की तरफ। एंड ये इसी के साथ हम लोग एंड कर रहे थे अपनी वीकेंड आउटिंग को, और यही होगा हमारे व्लॉग का भी एंड। और इस पूरी वीकेंड आउटिंग में हम लोगों ने कवर किया अराउंड 700 kilometers, एंड होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट फॉर व्हाट्स एवर रीज़न यू कैन गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू वांट टू सी मोर ऑफ सच वीडियोस। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।